हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टुडे इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ हुंडई वेन्यू 2022। सो लास्ट वीडियो में मैंने अपने बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक्सेसरीज़ पे कवर करूँगा। सो आज का जो वीडियो है वो प्रॉपर एक्सेसरीज़ पे ही बेस्ड होने वाला है कि मैंने कौन कौन सी एक्सेसरीज़ जो है शोरूम से परचेज़ की है और कुछ एक्सेसरीज़ मैंने बाहर से भी परचेज़ की है। सो मैं आज बताऊँगा प्राइस के साथ उसका कि कितने की मुझे एक्सेसरीज़ पड़ी और आप किस तरह से एक नई गाड़ी पे किस तरह से आप एक्सेसरीज़ पे डिस्काउंट ले सकते हैं शोरूम से। और एक साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में कुछ हिंट्स भी आपको एक्सेसरीज़ के रिलेटेड देना चाहूँगा। सो वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद एंड वाला पार्ट ज़रूर देखें अगर आप एक्सेसरीज़ परचेज कर रहे हैं तो चलिए एक्सेसरीज वाला वीडियो शुरू करते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक एक्सेसरी ऑफ एनी कार इज़ द सीट कवर। ये हर कोई लगवाता ही लगवाता है, कोई आफ्टर मार्केट लगवाता है, कोई कंपनी फिटेड लेता है। मैंने कंपनी से ही लिया है, ठीक है। सो ये मेरे को कॉस्ट करें अराउंड 8999 यानी कि 9000 के करीब ये मुझे पड़े हैं सीट कवर, ठीक है। सो पहली एक्सेसरीज तो यही हो गई सीट कवर। सेकंड एक्सेसरीज आप देख ही पा रहे होंगे कि स्टेयरिंग रैप कराया मैंने। सो ये है स्टेयरिंग रैप, लेदर तो नहीं है पूरा, सेमी लेदर कह सकते हैं। सो इसकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड है 699 यानी कि 700 रुपीज़ की आपको कंपनी में मिलती है, ठीक है। तीसरी एक्सेसरीज मैट, ये 3D मैट्स हैं। 5D मैट डलवाने के मूड में था बट उनके पास अवेलेबल नहीं थी, 7D थी और ये 3D मैट्स थी। सो मैंने 3D प्रेफर की, और मैंने क्यों 3D प्रेफर की ओवर 7D इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करूँगा कि क्या उसके ड्रॉबैक्स थे और इसके भी कुछ हैं, उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रखा है। आप देख सकते हो, अब आप देख रहे होंगे आप मैंने कुछ मैगी मैट्स भी डलवाए हुए हैं, इसके बारे में मैं बात करूँ क्योंकि आउटसाइड का पार्ट है। मैंने कहा था पहले जो मैंने शोरूम से ली है वो एक्सेसरीज और जो मैंने बाहर से परचेज़ की है वो मैं अभी आपको सब बताऊँगा। पहले मैं शोरूम वाली कवर करता हूँ कि क्या क्या मैंने एक्सेसरीज ली है। दूसरा है ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं शंकर जी ये वाले आदि योगी। सो ये मुझे मिला था। सो ये तो इसका कोई कॉस्ट नहीं लगी, ये तो मुझे कंपनी की तरफ से फ्री में ही मिला था। एंड नेक्स्ट एक्सेसरी है ये माइक्रोफाइबर क्लोथ जो उन्होंने मुझे दिया है एज़ आ, ये भी एक फ्री गिफ्ट है उनकी तरफ से शोरूम की वजह से। ये जो एक्सेसरीज है ये परफ्यूम है, हुंडई का ही जेन्यून एक्सेसरीज कार परफ्यूम है ये। सो इसकी जो कॉस्ट है इसमें कहीं लिखी नहीं है बट मैंने ऑनलाइन इसको देखा था, ये 450 का राउंड है समथिंग, और काफ़ी अच्छी स्मेल है। अब स्मेल तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता बट अच्छा है। अगर आप कार परफ्यूम अगर लें शोरूम से तो ये वाला लें, वो चिपकाने वाला मत लें। खैर ये सब चीज़ों को तो मैं बाद में कवर करूँगा कि क्या आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए किस तरह से, वो तो हिंट वाला पार्ट है मैंने बताया, वो एंड में मैं कवर करूँगा। अभी सिर्फ मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो प्राइस इसका जो है वो 450 है। तो सीट कवर की बात है, ये फ्रंट वाला तो आपने देख ही लिया है कि अच्छी खासी एडजस्टमेंट है इसकी, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा एकदम बकेट की तरह है। और मैंने बकेट नहीं डलवाया है, वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं बकेट डलवाया है। आप पीछे की सीट्स भी देख लीजिए, ये देखिए फिटिंग देखिए भाई, कंपनी की बात ही अलग होती है। वो यूनिवर्सल वाले से अच्छा है जो सब में लग जाते हैं, जो पर्टिकुलर मॉडल के आते हैं वो अलग ही बात होती है। फिटिंग देखिए आप, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कुछ निकला हुआ है, कहीं से भी नहीं, परफेक्ट फिटिंग। ये देखिए उसी तरह से मैट्स भी देखिए, एकदम एज टू एज पूरी फिटिंग है। थोड़ी गाड़ी गंदी रखी है, इसको अवॉइड करिएगा। आप फिनिशिंग देखिए मैट्स की, एकदम परफेक्ट है। वाला पार्ट मैं अभी कवर करूंगा आगे मैगी मैट्स का। ये हो गया स्टेयरिंग कवर, इसकी फिनिशिंग देखिए। मुझे थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग लग रहा है पर ठीक है, उतना ही बुरा नहीं जितना बाहर वो सब करते हैं। अब धनतेरस का टाइम था तो जल्दी जल्दी में मुझे लग रहा है इस तरह का काम हुआ है, मुझे थोड़ी सी फिनिशिंग पे इस पर डाउट हो रहा है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। अपनी जगह से हिल नहीं रहा है तो वो ज़्यादा सही है, बस हिलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो एक्सेसरी है वो है ये स्कफ प्लेट्स, ये भी मैंने शोरूम से ही लगवाया है। आफ्टर मार्केट वाले उतने मुझे सही नहीं लग रहे थे, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ही अच्छे से स्टिक भी हो गए हैं जो कंपनी वाले होते हैं,
ऑल फोर डोर्स के आते हैं, ये सेट आता है पूरा। ये यहाँ लगा हुआ है, यहाँ है, और एक यहाँ है, ठीक है। इसका क्या यूज है, जब आप स्टेप इन करते हैं तो एसयूवी की खासकर बात है, तो अधिकतर आपका पैर यहीं जाता है। कई भी लोग होते हैं तो सबसे ज़्यादा पैर यहीं पे ही रखते हैं, ठीक है, जब भी स्टेप इन करते हैं तो यहीं पे अपना पैर रखते हैं। सो स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं, जिससे ये क्या करता है, स्क्रैचेस से बचाता है आपकी बॉडी को। और कई लोगों का जो है वो लाइट वाला लगा लेते हैं, मैंने नहीं लाइट वाला लगवाया है, अब वो भी मैं वीडियो के एंड में कवर करूँ, मैंने क्यों नहीं लगवाया लाइट वाला, सारा हिंट का पार्ट है कि आपको क्यों नहीं लगवाना चाहिए, वो मेरा जेन्युइन ओपिनियन रहेगा वो, ठीक है। अगली जो एक्सेसरीज वो दिखी गई होगी सामने, डोर क्लोज करते ही, डोर गार्ड्स, ऑल फोर डोर्स के गार्ड्स, ये देखिए, और इस पे भी। और इसकी जो, मैं इसका प्लेट की प्राइस बताना भूल गया, इसकी जो प्राइस है वो है 900 रुपीस, और इसकी जो प्राइस है वो है 460 के राउंड। ये देख रहा हूँ, ये कंपनी का नहीं है भाई, ये आउटसाइड एक्सेसरी है, मैं अभी कवर करता हूँ इसके बारे में। सो नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है वो है इसकी बूट मैट, ये मैंने डलवाई है बूट मैट। इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 1600 के अराउंड था। मैं वीडियो में फ्लैश करके वो डाल दूंगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा जेन्युइन एक्सेसरीज़ का, कहाँ से मिल सकता है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि शोरूम से ही लें, बट अगर नई गाड़ी ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है शोरूम से ही ले लें उसी समय। ये है बॉडी कवर इसका, तो इसमें रेट लिखा ही होगा, सॉरी 1600 की है। इसका कॉस्ट मैं पता करके लिंक उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये। तो इतनी एक्सेसरीज थी जो मैंने शोरूम से ली है, और कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है, इतनी एक्सेसरीज मैंने शोरूम से ली है। अब मैं बात करता हूँ एक्सेसरीज की जो मैंने बाहर से ली है। चलिए अगली जो एक्सेसरीज है जो बाहर से है, चलिए बाहर की एक्सेसरीज शुरुआत करते हैं। तो पहली एक्सेसरीज जो है वो ये है, ये कंपनी से नहीं मिला, लग रहा है ऐसा कि कंपनी से ही लिया है, बट इसकी वो देखिए कितना प्रीमियम लग रहा है देखने में। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, ठीक है। सो आप पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं, दोनों के लिए अवेलेबल है, ये मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रीमियम देखने, जो लिखवा लेते हैं मुझे वो पर्सनली थोड़ा पसंद कम आता है। सो मैंने सोचा कि ये एम जो डीजल एम्बलम है इसको मंगा लिया जाए। सो इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है मुझे, वो पड़ी है 270 रुपीज़ की। नेक्स्ट जो आउटसाइड एक्सेसरी है वो ये, अब कुछ लोग देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है भाई, ये व्हील लॉक है। अगर आप ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करते हैं, आप गैराज नहीं है, बाहर खड़ी करते हैं, या अनसेफ थोड़ी जगह है, सो वहाँ पे ये काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाती है। सो मेरी भी गाड़ी बाहर ही खड़ी रहती है, सो ये काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाती है, और काफ़ी मेटल का, काफ़ी हैवी है ये। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है, कम से कम आपकी गाड़ी को चोरी होने से थोड़ा बहुत तो ये बचा सकता है, ठीक है, कम से कम बहुत अच्छी एक्सेसरीज़ है ये। सो इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है मुझे वो है 1150 की, ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया है, मेरा अधिकतर सामान सारा अमेज़ोन से ही है। सो ये सारे, इसको कहते हैं व्हील लॉक, 1150 का प्राइस था इसका। नेक्स्ट एक्सेसरीज है ये डस्टर, ये भी इसमें पैक है, मैं दिखा देता हूँ, ये इसकी रॉड है वो इसमें फिट हो जाती है, और ये काफ़ी बहुत ही अच्छी एक्सेसरी। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है, मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी धूल जमी हुई है, काफ़ी छोटे छोटे डस्ट के जो लिंट्स हैं वो हैं इस पर अवेलेबल हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब मैं इसको इससे क्लीन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देखिए। सो आपने इसका यूज़ देखा, क्या इसका यूज़ है, इसका यूज़ तभी है, इसको गंदी गाड़ी मत यूज़ करिएगा कि बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी गंदी है तो आप इसको यूज़ करें, इसका यूज़ तब आप कर सकते हैं जैसे आपने गाड़ी वॉश की, उसके बाद डस्ट के छोटे छोटे लिंट्स जो हैं जो आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, सो आप इससे क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं।
और इसका भी एक बहुत ही अच्छा यूज है, कवर डालने से पहले आप इसको अगर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गाड़ी पे स्क्रैचेस आने से रोकता है ये। इसको अगर पहले से आप ऐसे बस रब कर दें सारे लिंट्स को, उसके बाद बॉडी कवर डालें, सो गाड़ी पे स्क्रैचेस आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है ये है वॉशिंग ग्लव्स, निकाल लेता हूँ। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है, ठीक है। और इसकी मैं, हाँ, प्राइस बताना भूल गया, इसकी प्राइस थी मेरे ख्याल से 300 समथिंग, 300-350 के अराउंड थे, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मेरी सारी एक्सेसरीज वही एक्सेसरीज जो यूज़फुल है एक्चुअल में, मैंने कुछ भी एडिशनल नहीं करवाया कि मैं क्रोम लगवाया हो, ये लगवाया हो, वो फैशन वाली चीज़ जो एक्चुअल में मैंडेटरी है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ मैंने वही काम करवाया है। और ये है वॉशिंग ग्लव्स, माइक्रोफाइबर क्लॉथ का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसकी खासियत ये है कि ये फोम को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखता है। अब जैसे कि नॉर्मल आप कपड़े धोते तो फोम तो आधा निकल जाता है उसी से ही, तो इसमें क्या होता है, फोम को ये होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से पूरा बॉडी पे अच्छे से आप कम शैम्पू में भी आप आराम से गाड़ी को वॉश कर सकते हैं अच्छे से। शैम्पू से याद आया, एक और एक्सेसरीज है, वो मैं लाया नहीं हूँ, 3M का मैंने शैम्पू परचेज़ किया था, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है वो है ये मैगी मैट्स। मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में कि मैं इसको कवर करूँगा, ये मैंने लगवाई है। ये मैंने क्यों लगवाई है आप देख सकते हैं, ये जो 3D मैट है ये केवल यहीं तक कवर करती है, आगे का हिस्सा कुछ नहीं कवर करती है। मान लीजिए आगे भी अगर डस्ट जाती है तो आपको पूरी जो है फ्लोर मैट ही क्लीन करनी पड़ेगी, बट मैगी मैट से क्या हुआ, ये मैंने हाफ में डलवाई है केवल, उससे क्या हुआ है कि आगे की जितनी भी जो भी डस्ट होगी वो सिर्फ मैट्स पे आएगी, और ये मंथ में एक बार आप क्लीन कर दीजिए बहुत है, सफिशिएंट है, रोज रोज निकालने की इसको जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह फिक्स है, इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डस्ट वहां तक पहली बात तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये बकेट है, डस्ट का आगे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट इनकेस चली भी जाती है तो वो इन मैट्स पे आ जाएगी। आप मंथली क्लीन कर दीजिए बस, सफिशिएंट है उतना। ये देखिए मैंने आगे तक पूरा कवर करवाया इसको, कि ये पोर्शन भी इसका क्या हो, कवर हो जाए सही से, एक एक चीज जहां तक कवर हो सकता था मैंने इसको कवर करवाया, ये देखिए, क्योंकि जहां जहां ज्यादा डस्ट जाती है इसके नीचे तक मैंने इसको कवर करवा दिया है, ये कि इनकेस यहां से भी अगर डस्ट जाती है तो यहीं पे होल्ड हो जाए, आगे ना जाए, तो नीचे का आप देखेंगे मेरा क्लीन है सब। और इसके देखिए साइड में यहाँ पर थोड़ी गंदगी हुई है, क्यों, क्योंकि मैट्स यहाँ पे नहीं है, और यहीं पे इस मैट्स को देखिए पूरा क्लीन है इधर, ठीक है। सो यही थी इतनी जो एक्सेसरीज थी, जो भी शोरूम से और जो बाहर से जो एक्सेसरीज थी वो सारी यही एक्सेसरीज थी। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हिंट की बात जो है, मैं सारी एक्सेसरी की जितनी भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लगवाना चाहिए तो ये क्यों लगवाना चाहिए, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। बाकी अपना अपना ओपिनियन है भाई, कोई कुछ भी लगा सकता है, बट मुझे जो सही लगा वो मैंने लगवाया, और मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि हर एक एक्सरसाइज की क्या हिंट है, आपको क्यों ये लगवाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, सीट बेल्ट पहने, हमेशा सेफ ड्राइव करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, थैंक यू।